कर्पूरी छात्रावास के छात्रों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती को बनाए मजाक। जयंती के मौके पर छात्रों ने अश्लील गानों पर किया डांस। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। नेशन न्यूज नहीं करता है वायरल वीडियो की पुष्टि। बाढ़ अनुमंडल के सभागार में SDM सुमित कुमार के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता दिवस का किया गया आयोजन। इस दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शांतिपूर्ण मतदान कराने की दिलाई गई शपथ। लातेहार जिले के महुआडाड़ में लोगों को दिलाई गई राष्ट्रीय मतदाता की शपथ। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी भी रहे मौजूद। गया के महाबोधि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही की खबर आई सामने। मंदिर परिसर में आपस में नोकझोंक करते दिखे शरारती तत्व। सुपौल के त्रिवेणीगंज में 72वें गणतंत्र दिवस को लेकर अनुमंडल प्रशासन द्वारा मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। इस प्रतियोगिता में कुल 63 पुरुष प्रतिभागियों ने लिया भाग। मौके पर SDM भी रहे मौजूद। युवा थे त्रिवेणीगंज अनुमंडल के और आसपास जिले के भी लोग थे जो 18 वर्ष से ऊपर के थे। सभी प्रतिभागियों ने 11 किलोमीटर मिनी मैराथन दौड़ समापन किया है। सुपौल के किशनपुर PSC में चिकित्सा पदाधिकारी को बेरहमी से पिटाई करने का मामला आया सामने। बताया जा रहा है कि NGO का गलत वाउचर पर साइन नहीं करने के कारण हुआ विवाद। डॉक्टर और कर्मियों में दहशत। बेतिया पुलिस ने नॉर्थन हाई स्कूल चौक से छापेमारी कर 50 बोतल देशी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी। गिरफ्तार तस्कर से की जा रही है पूछताछ। रांची के हिंद पीढ़ी में चलाया गया छापेमारी अभियान। गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन कुमार के द्वारा की गई छापेमारी। छापेमारी के दौरान चरस और गांजे के साथ एक संदिग्ध गिरफ्तार। चाईबासा पुलिस और CRPF के अधिकारियों ने माओवादी कमांडर के खिलाफ शुरू की घेराबंदी। 10 लाख रुपए इनामी माओवादी को पकड़ने के लिए DIG CRPF हनुमंत सिंह के नेतृत्व में चलाया गया विशेष अभियान। चानो तरंगा के पास एक घर में मिला 2 युवकों का शव। पहला खटिया पर तो दूसरा शव फंदे से मिला लटकता। हत्या की जताई जा रही आशंका। रांची के मांडर में हुआ दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार के ऑटो के पलटने से 9 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। इस दौरान स्थानीय विधायक इरफान अंसारी ने पेश की मानवता की मिसाल।